हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ व्यापम स्पोर्ट्स टीचर सिलेबस आने वाले समय में जो भर्तियां आने वाली हैं, जिसमें स्पोर्ट्स टीचर की भी भर्तियां हैं कि मान के चलिए कि 600 से 700 के बीच में व्यापम व्यायाम शिक्षक के पद निकालेगी, क्योंकि पुरानी स्पोर्ट्स टीचर की जो भर्ती हुई थी उसमें ये सिलेबस को फॉलो किया गया था। तो इस आधार पर आपको प्रिपरेशन करना ज़्यादा उचित होगा। तो इस आधार पर हम लोग आज स्पोर्ट्स टीचर के जो इसमें शारीरिक शिक्षा में खेलकूद मनोविज्ञान एवं इतिहास वैज्ञानिक विकास एवं खेलकूद संगठन अनुशिक्षण एवं निर्णयन और विविध इस तरह से 25-25 अंक के जो प्रश्न पत्र थे ये फिजिकल एजुकेशन के थे, और इसके बाद सामान्य हिंदी 5 अंक, सामान्य अंग्रेजी 5 अंक, कंप्यूटर की सामान्य जानकारियाँ ये 10 अंक के, और सामान्य ज्ञान 10 अंक का, और योग की सामान्य जानकारी ये 20 अंक के। इस तरह से हमारा टोटल 150 क्वेश्चन आए थे और हर क्वेश्चन के पीछे 1 अंक निश्चित था। तो हम फोकस करते हैं कि व्यायाम शिक्षक के पद के लिए क्या हमारा जो पाठ्यक्रम था वो किस तरह से होता है। बच्चों, क्या होता है कि हम लोग जब प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास सिलेबस होता है, लेकिन हम लोग ये नहीं देख पाते कि हमको एक्चुअल में प्रिपरेशन किस चीज़ का करना है और सिलेबस में लिखा क्या है और उसका जो स्टडी क्राइटेरिया है वो क्या क्या है, हम लोग को कहाँ तक का उसमें सिलेबस को कवर करना है और किस किस क्षेत्र को पढ़ना है। तो मैं सिलेबस में ये सारी चीज़ों को डिफाइन करते हुए आपको बताऊँगा, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो शारीरिक शिक्षा में खेल का मनोविज्ञान एवं इतिहास, ये पहला चैप्टर था। इसके अंतर्गत जो पॉइंट्स थे वो इस तरह से थे। तो इसमें ये 25 नंबर के इसमें से क्वेश्चन आने हैं, ये 10 पॉइंट से 25 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, ये तो फिक्स है, बता दिया गया है। तो इस आधार पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है वो ये कहा है कि प्राचीन एवं आधुनिक ओलंपिक की गतिविधियों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन करना है, इसका मतलब हमको लोग चार्ट बनाना है कि प्राचीन ओलंपिक में क्या क्या चीज़ें थीं और आधुनिक ओलंपिक में क्या क्या चीज़ें थीं। जैसे प्राचीन ओलंपिक कब प्रारंभ हुआ, आधुनिक ओलंपिक कब प्रारंभ हुआ, प्राचीन ओलंपिक के कौन चालू करने वाले कौन थे और आधुनिक ओलंपिक को चालू करने वाले कौन थे। इसके अगर सेकंड पॉइंट को हम लोग ध्यान दें, अगर हम यहाँ पर इसकी तुलनात्मक अध्ययन की बात करें तो प्राचीन एवं आधुनिक ओलंपिक की गतिविधियों को हम लोग देखा जाए तो हमको एक तरह से एक चार्ट बनाना पड़ेगा जिसमें आधुनिक ओलंपिक एक तरफ होगा और प्राचीन ओलंपिक एक तरफ होगा, और इसमें आधुनिक ओलंपिक कब प्रारंभ हुआ और प्राचीन ओलंपिक कब प्रारंभ हुआ, प्राचीन ओलंपिक को किसने चालू किया था, आधुनिक ओलंपिक को किसने प्रारंभ किया था, और आधुनिक ओलंपिक में क्या क्या गतिविधियाँ हुई और प्राचीन ओलंपिक में क्या क्या गतिविधियाँ हुई। तो इन दोनों एरिया से यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, इसकी यहाँ पर प्रिपरेशन करने हैं। दूसरा, विभिन्न खेलों का इतिहास एवं विकास, ये विभिन्न खेलों का इतिहास बोला गया है। इसमें आपका ओलंपिक खेल हो सकते हैं, इसमें एशियन गेम्स हो सकते हैं, और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के और भी जो खेल होते हैं जैसे एफ्रो एशियन गेम्स हो गए, आपके विंटर ओलंपिक्स हो गए, समर ओलंपिक्स तो है ही, तो उनके इतिहास के बारे में देखना है और उनके विकास के बारे में देखना है। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे खेलों के बारे में बोला गया है तो ये भी प्रश्न आ सकते हैं कि आप अलग अलग प्रकार के जो खेल होते हैं उसका विकास किस तरह से हुआ, या फिर कौन से खेल को किसने बनाया, कौन से जैसे कबड्डी हो गया ये कहाँ पर डेवलप हुआ, खो खो कहाँ डेवलप हुआ, मलखम कहाँ डेवलप हुआ, है ना। इस तरह से हमारा जैसे बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, तो इनके जो विकास हैं और इनका डेवलपमेंट है उसके बारे में हमको स्टडी करनी है। खेल मनोविज्ञान का अर्थ प्रकृति एवं संभावनाएं, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात कर रहा है, इसके अर्थ क्या होते हैं, इसकी प्रकृति और इसकी संभावनाएं क्या होते हैं। तो संभावनाएं मतलब इसके और कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं उसके बारे में ये पूछ सकता है कि कौन कौन से जो क्षेत्र हैं वो खेल मनोविज्ञान से संबंध हैं या कौन से नहीं हैं, इस तरह से इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अर्थ के बारे में प्रश्न बन सकता है, इसकी प्रकृति के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। खेल मनोविज्ञान का खेलों से संबंध, खेल मनोविज्ञान जो है वो किस तरह से खेलों में
स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो होता है वो खेल पे किस प्रकार के प्रभाव डालता है, इसमें हमारे स्पोर्ट्स की थ्योरीज वगैरह हो सकती हैं या प्ले की थ्योरीज हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल थ्योरीज हो सकती हैं, इसके हम लोग को स्टडी करना है। अधिशिक्षण एवं शारीरिक शिक्षक के लिए खेल मनोविज्ञान का महत्व, जो कोचेस होते हैं और जो स्पोर्ट्स टीचर शारीरिक फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं उनके लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो कितना महत्व रखती है, उसके बारे में यहाँ पर आपको स्टडी करनी है। खेल कूद में सहभागिता से व्यक्तित्व का विकास, जो जब हम पार्टिसिपेट करते हैं उसमें साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या आते हैं बॉडी में और उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम लोग को यहाँ पर अध्ययन करना है कि हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या क्या चीज़ें हैं खेल कूद के कारण, और हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, हमारी सोच में क्या क्या चेंजेस आते हैं, हमारे व्यक्तित्व किस तरह से परिवर्तित होता है, उसके बारे में हमको यहाँ पर स्टडी करनी है। शारीरिक गतिविधि में प्रेरक व्यवहार एवं रुचि की भूमिका, फैक्टर्स जो हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ को प्रभावित करते हैं, जैसे हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारा बिहेवियर है और हमारा प्रेरण है, वो किस तरह से शारीरिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन करना है। महत्वाकांक्षाएं, संवेदना, हताशा एवं संघर्ष के खेल के स्तर पर उसका प्रदर्शन पर जो प्रभाव होता है, खेल के स्तर पर उसका जो प्रदर्शन पर प्रभाव होता है इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। महत्वाकांक्षाएं क्या क्या है हमारी, हमारे इमोशंस कैसे हैं, जैसे हम हताश हो जाते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, या संघर्ष का जो स्तर है, जैसे लो लेवल का कंपटीशन है या हाई लेवल का कंपटीशन है, उसका हमारे खेल प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हमको स्टडी करना है। और खेल दर्शक जो हमारे दर्शक हैं उनका व्यवहार, उनके व्यवहार का उनके जो व्यवहार हैं उनका हमारे खेल प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, प्रभाव करने वाले एक्सटर्नल बाह्य कारक हैं, उसका हमारे खेल प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हमको किस तरह से स्टडी करनी है या उसके सिद्धांत किस तरह से बनाए गए हैं उसके बारे में हमको यहाँ पर अध्ययन करना है। और दसवां जो है वो शारीरिक गतिविधियों का सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव, यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी के बारे में यहाँ पर स्टडी करने के लिए कहा गया है, और साइकोलॉजिकली उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे हमारी सामाजिक जो हमारा स्तर है उसके आधार पर हमारे साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसका क्या क्या संबंध है, इसके बारे में हमको यहाँ पर स्टडी करना है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आपका साइकोलॉजी का चैप्टर है मेनली, और उसके बाद फिर हमको कुछ इतिहास के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो मान के चलिए पांच अगर कोई प्रश्न यहाँ से इतिहास से आ रहे हैं तो फिर 20 क्वेश्चन जो है वो साइकोलॉजी से आने की संभावनाएं हैं। अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं तो वैज्ञानिक विकास एवं खेल, वैज्ञानिक विकास एवं खेल कूद, तो यहाँ पर हम लोग साइंस की बात करेंगे और स्पोर्ट्स की बात करेंगे। खेल विकास हेतु विभिन्न परीक्षणों का वैज्ञानिक प्रमाणिकता, खेल का जो विकास हुआ है उसमें परीक्षण मतलब जो टेस्ट होते हैं उसका वैज्ञानिक प्रमाणिकता, मतलब हम लोग रिलायबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं उसके बारे में, जैसे कोई भी टेस्ट है उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है और उनके विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के बारे में पूछ सकता है, अलग अलग प्रकार के टेस्ट के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये वाला चैप्टर टेस्ट को आपको पढ़ने के लिए कहता है। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो ये कहता है कि हृदय श्वसन तंत्र की क्रिया और खेल प्रदर्शन पर उसका प्रभाव, जो हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हृदय श्वसन तंत्र है, उस पर हमारे जो स्पोर्ट्स हैं उसकी एक्टिविटीज़ पर क्या क्या चेंजेस आते हैं और उसके कारण से हमारे खेल प्रदर्शन पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है उसके बारे में अध्ययन करना है। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पर जो इफेक्ट होगा उसके बारे में हमको स्टडी करनी है। गामक क्षमता, मोटर एबिलिटी, और मोटर एबिलिटी टेस्ट होती है और टेस्ट होते हैं बहुत सारे हैं, लगभग 10-12 टेस्ट हैं, उसका हम लोगों को परीक्षण की पूरी विधि को हमको पढ़ना है, मोटर एबिलिटी टेस्ट की परीक्षण विधियों को पढ़ना है। साथ ही साथ इस मोटर एबिलिटी टेस्ट के जो सन होते हैं और किसने कौन कौन से मोटर एबिलिटी टेस्ट बनाया है उसके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ाई करनी है। ज्ञान और कौशल परीक्षण,
ज्ञान और कौशल परीक्षण, मतलब नॉलेज टेस्ट की बात कर रहा है और स्किल टेस्ट की बात कर रहा है। तो ये नॉलेज और स्किल टेस्ट होते हैं, उसके बारे में हमको स्टडी करनी है। तो ये जो चैप्टर है ये नॉलेज और स्किल टेस्ट के बारे में पढ़ने के लिए कह रहा है। व्यायाम के कारण शारीरिक क्रियात्मक परिवर्तन, स्पोर्ट्स जो हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं उसके बाद में, उसके बाद हमारे क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो दो स्तर पर यहाँ पर चेंजेस की बात किया गया है। ए जो अ है वो है हृदय परिवहन तंत्र, मतलब हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके बारे में हमको यहाँ पर स्टडी करनी है पूरी तरह से। और कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम लोगों ने ये देखा, और श्वसन तंत्र मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। इसका प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग में हम लोग दो तरह से हम लोग इफेक्ट को देखते हैं, एक करंट इफेक्ट होता है और एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे दोनों को हम लोग को स्टडी करनी है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ट्रेनिंग का और शॉर्ट टर्म इफेक्ट ट्रेनिंग का, दोनों को हम लोग के यहाँ पे स्टडी करना है। विभिन्न खेलकूद गतिविधियों में ऊर्जा का व्यय, तो यहाँ पर एनर्जी एक्सपेंडिचर और किस किस तरह कहाँ कहाँ से हम लोग को ऊर्जा मिलती है, कौन कौन से प्रकार की ऊर्जा होती है, विटामिन प्रोटीन मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट्स सारे के बारे में हमको यहाँ पर देखना है, और उसके मॉलिकुलर स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ऊर्जा का सोर्स क्या क्या है और किस तरह से वो खपत होता है उसके बारे में हम लोग को यहाँ पर स्टडी करनी है। खेल कूद के विकास में क्रीड़ा चिकित्सा की भूमिका, खेल कूद के विकास में डेवलपमेंट में इस हमारे स्पोर्ट्स मेडिसिन की क्या भूमिका है, स्पोर्ट्स मेडिसिन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस किस तरह की थेरेपीज होती हैं उसके बारे में यहाँ पर स्टडी करनी है। क्रायोथेरेपी हो गया आपका, फिजियोथेरेपी हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों को पढ़ना है। इसके साथ ही साथ तो हम लोगों को फर्स्ट एड वगैरह जो होते हैं उसके बारे में भी, राइस प्राइस के बारे में भी हम लोगों को स्टडी करनी है। विभिन्न खेलों में यांत्रिकी सिद्धांतों का उपयोग, अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को बोला है यांत्रिकी सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। तो यांत्रिकी सिद्धांत में हमारे आ जाते हैं बायोमैकेनिक्स, तो बायोमैकेनिक्स की स्टडी करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। तो बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। प्रशिक्षण भार एवं उसके सिद्धांत के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। मतलब यहाँ पे जो ट्रेनिंग लोड होगा, ट्रेनिंग कारण जो बॉडी पे यहाँ पर लोड होता है और लोड के जो सिद्धांत हैं और उसकी विशेषताएं हैं, है ना, उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। तो आपको ट्रेनिंग लोड के बारे में यहाँ पर स्टडी करनी है। प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण गामक घटनाएँ जैसे गति, शक्ति, क्षमता, लचीलापन एवं समन्वय क्षमता, प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण गामक घटना जैसे गति स्पीड की हम लोग को स्टडी करनी है ना, पावर की स्टडी करनी है, क्षमता हम लोग का कैपेसिटीज़ हो गए, आपका लचीलापन हो गया, समन्वय क्षमता हो गया। तो ये जो है ये हमारे ट्रेनिंग के जो घटक हैं, ट्रेनिंग के जो घटक जैसे स्पीड, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, जो फाइव फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में हमको यहाँ पर स्टडी करनी है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग हो गया और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हो गए, आपके स्ट्रक्चर हो गए, ये सारी चीज़ों को ये कवर करता है। ये 25 क्वेश्चन आपको उसी के अंदर से आएंगे। अगला है संगठन अधिक्षण एवं निर्णय, ये डिस्क्रिप्टिव चैप्टर है, इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आपको इसको इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। तो खेल कूद के विकास में व्यावसायिक संगठनों का प्रभाव, व्यावसायिक संगठन जो होते हैं वो क्या किस तरह से प्रभाव डालते हैं डेवलपमेंट में, है ना। खेल कूद में जनसंपर्क एवं प्रचार गतिविधियां, जनसंपर्क एवं प्रचार गतिविधियों के बारे में पढ़ना है। खेल कूद प्रतियोगिता के संचालन हेतु महत्वपूर्ण सिद्धांत एवं कार्यवाही, खेल कूद प्रतियोगिता के संचालन अगर आप कोई कंपटीशन करा रहे हैं तो उसके सिद्धांत क्या क्या है और उसकी कार्यवाही किस तरह से होती है, उसके स्टेप्स क्या होंगे उसके बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है। एथलेटिक ट्रैक एवं खेलकूद मैदान को चिन्हित करके करने के तरीके, एथलेटिक ट्रैक को आपको सीखना है कि ट्रैक किस तरह से बन रहता है, उसमें कौन कौन सी मार्किंग होती है, उसके मैदान कैसे होते हैं और उसको किस तरह से
चिन्हित किया जाना है। तो यहाँ पर खेल कूद के मैदान को चिन्हित करने के तरीके बोल दिया गया। तो विभिन्न प्रकार के मैदान होते हैं, सभी खेल के अलग अलग मार्किंग होती है, उसके डायमीटर और डायमेंशंस होते हैं, डायमीटर्स होते हैं, है ना, रेडियस होते हैं, उन सभी चीज़ों को आपको जानना है और उसके बारे में स्टडी करनी है। प्रबंधन प्रशिक्षण कप्तान एवं दर्शक में संबंध, तो मैनेजमेंट है, कोचिंग है आपका, और जो कप्तान है और दर्शक में क्या संबंध है, इस तरह से इसको यहाँ पर हम लोगों को स्टडी करके रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। खेल कूद प्रतियोगिताओं में अधिकारियों का खेल पूर्व एवं खेल उपरांत, जो हमारे जो ऑफिशियल रहते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी खेल शुरू होने से पहले और उसके बाद के जो कर्तव्य होते हैं उसके बारे में एक हम लोगों को स्टडी करके रखनी है। शिक्षक प्रशिक्षित एवं अधिशिक्षित के बारे में के बीच का जो अंतर है, जो कोचिंग देने वाले जो टीचर होते हैं और जो कोचेस होते हैं और जो ट्रेनर होते हैं, मतलब टीचर ट्रेनर और कोचेस, इनके बीच के डिफरेंस को हम लोग को स्टडी करना है। कोच टीचर और ट्रेनर, कोच टीचर और ट्रेनर, ये हो गया टीचर, ये हो गया ट्रेनर और ये हो गया कोच। अभी कोचिंग के सिद्धांत को यहाँ पर पढ़ना है, अगले स्टेज में कोचिंग के सिद्धांत को पढ़ना है, विभिन्न खेलों के नियमों को हम लोगों को देखना है, खेल दल के चयन का सिद्धांत यहाँ पर देखना है, और अधिशिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग, यहाँ पर भी साइकोलॉजी के अनुप्रयोग हैं किसमें, कोचिंग में। तो कोचिंग की बात करता है ये चैप्टर, और खेल के नियमों की बात करता है। तो अलग अलग प्रकार के ग्राउंड के मेजरमेंट इसमें से आएंगे इस चैप्टर में से, और आपको ये भी पूछा जाएगा कि किस किस तरह के यहाँ पर ग्राउंड बनेंगे और ग्राउंड के क्या डायमेंशन है वो पूछ सकता है, और कोचिंग किस तरह से दी जाती है, उसके क्या सिद्धांत हैं, और साइकोलॉजी में साइकोलॉजी का हम लोग किस किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं इसमें। तो अधिशिक्षा में वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग, अलग अलग जो जितने हम लोग वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में इससे पहले पढ़े, जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है उनके बारे में, और उसका अनुप्रयोग किस प्रकार से हम लोग कोचिंग में करते हैं उसके बारे में हम लोग को यहाँ पर स्टडी करना है। अब विविध के अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर से हम लोग के हालांकि ऊपर में सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट वाइज डिस्क्राइब कर दिया है, तो कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर आपको देखना जरूरी है जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो खेल कूद में नेतृत्व को हम लोग को पढ़ लेना है, खेल कूद का वर्गीकरण हम लोग को पढ़ना है ना, ग्रुप हो गया, इंडिविजुअल हो गया, है ना, तो इस तरह से जो वर्गीकरण हो सकते हैं खेल कूद के, ग्रुप गेम हो सकते हैं, इंडिविजुअल हो सकते हैं, या फिर आपको रिक्रिएशनल गेम हो सकते हैं, या फिर कॉम्पिटेटिव गेम्स हो सकते हैं, फाइटिंग गेम्स हो सकते हैं, कम्बॉट्स हो सकते हैं, तो इस तरह से अलग अलग तरह के वर्गीकरण हैं उसके बारे में हम लोगों को स्टडी करनी है। लीग कम नॉकआउट प्रतियोगिता होता है, तो लीग को भी हम लोग को पढ़ना है, नॉकआउट को भी पढ़ना है, और लीग कम नॉकआउट या नॉकआउट कम लीग, इन सब को हम लोग को पढ़ के रखना है, ये चारों चैप्टर को कवर करना है। उसके बाद हम लोगों को देखना है कि खेल कूद में तालपत्र, जो हमारे जब हम लोग खेल कूद एक्टिविटीज़ कराते हैं तो उसमें लयबद्ध जो तालबद्ध क्रियाएँ होती हैं उसके बारे में हमको स्टडी करनी है। क्यों कराए जाते हैं, क्योंकि हमारा जो छोटे बच्चों को ज़्यादा ये एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं लयबद्ध क्रियाएँ, ताकि जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, हैंड लेग कोऑर्डिनेशन है, बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन है, वो ज़्यादा डेवलप हो, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करना है। हमको राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान के बारे में हम लोग को पढ़ना है, कहाँ पर है, कब बना, उसका क्षेत्र क्या है, भारतीय खेल प्राधिकरण कब बना, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, उसकी क्या स्थिति है वर्तमान में, क्या क्या इवेंट्स कराती है, ये सारे चैप्टर्स हम लोग खेल प्राधिकरण के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को स्वास्थ्य शिक्षा हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, इसके अंतर्गत सारी बीमारियों के नाम आपको याद रहने चाहिए, सारे रोग के नाम आपको याद रहने चाहिए, और उसके कौन कौन से कारण हैं, किस कारण से कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन से विटामिन्स हैं, कौन कौन से विटामिन्स के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन कौन से वायरस हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, कौन कौन से फंगस हैं, इनके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी रखनी है स्वास्थ्य शिक्षा के अंदर। ऑक्सीजन ऋण, ऑक्सीजन डेप्थ जिसको हम लोग कहते हैं,
ऑक्सीजन रेट के बारे में जानना है, उसका कर्व कैसे होता है, उसका फंक्शन कैसे होता है, क्या होता है उसके बारे में हमको जानना है यहाँ पर। श्वसन क्षमता, श्वास की क्षमता, वाइटल कैपेसिटी हम बोल सकते हैं इसको, तो वाइटल कैपेसिटी का जो ग्राफ होता है उसके बारे में स्टडी करनी है, और उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका नामकरण क्या होता है उसके बारे में हम लोग को स्टडी करनी है। IPL के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, इंडियन प्रीमियर लीग, कौन कौन से सन में कब कब किसको कौन से कैप दिए गए इसके बारे में यहाँ पर स्टडी करनी है। खेलकूद में शिविरों का आयोजन, खेलकूद के शिविर के आयोजन कब कब किए गए थे उसके बारे में, कैसे कैसे किए जाते हैं उसके बारे में हमको यहाँ पर स्टडी करनी है। उसमें शिविरों में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सामान लेके जानी चाहिए, क्या क्या फंक्शन होते हैं, किस किस तरह के शिविर होते हैं उनका यहाँ पर स्टडी करना है आपको। खेल संगोष्ठी एवं सम्मेलन के औचित्य, जाहिर सी बात है कोई भी किसी प्रकार का जो संगोष्ठी होती है वो उस खेल उस चीज़ के विकास के लिए होती है, तो यहाँ पे खेल के डेवलपमेंट के लिए जो हम लोग संगोष्ठियों का आयोजन करते हैं या संबोधन आयोजन करते हैं तो उसके क्या क्या औचित्य हो सकते हैं इसके इसको हम लोगों को पॉइंट आउट करना है, उसके बारे में स्टडी करके रखना है। खेल कूद के प्रोत्साहन में मीडिया की भूमिका, मीडिया किस प्रकार से खेल कूद को डेवलप करने में भूमिका निभाती है, जैसे क्रिकेट हो गया या फिर आपका हॉकी हो गया, उसमें मीडिया कितना प्रचार करती है, किस तरह से उसको डेवलप कर सकती है, बढ़ा सकती है, उसके हम लोग को भूमिकाओं के बारे में अपनी माइंडसेट तैयार करके रखना है या इसके बारे में स्टडी करके रखना है। व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तियों और व्यक्ति के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, जैसे मेल फीमेल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, छोटे बच्चों बड़े बच्चों में एज के कारण क्या क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं, वो सारे भिन्नताओं के को हम लोग को देखना है। किसी में इंडोरेंस ज़्यादा होता है, किसी में स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, किसी में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, किसी में साइकोलॉजिकल डिफरेंस अलग अलग हो सकते हैं, तो इस तरह की व्यक्तिगत भिन्नताएँ जो होती हैं उसके बारे में हमको स्टडी करनी है। खेलकूद में पोषण को हम लोगों को पढ़ना है, इसमें पोषण पोषक तत्व कौन कौन सी चीज़ें होती में होता है और उसमें कितना कितना कितने मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन होते हैं इसके बारे में हम लोग को स्टडी करनी है। आहार कितने रखने चाहिए इसके बारे में हम लोग को स्टडी करनी है। और सीखने के पठार के बारे में हमको पढ़ना है कि सीखने का पठार क्या होता है, या लर्निंग प्लेटू बोलते हैं, लर्निंग प्लेटू किस तरह से बनते हैं, क्यों बनते हैं, उसके कारण क्या होते हैं, उसका कर्व कैसा होता है इसके बारे में हम लोग को स्टडी करनी है। और योग से संबंधित जानकारी मिलेगी। तो ये है हमारा फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर। आप सभी से आग्रह है कि अभी से तैयारी चालू कर दें और पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाएं। मेरा जो क्लासेस है वो जल्दी ही चालू हो जाएगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्रिप्शन देने और क्वेश्चन आंसर के जो सेशन है वो भी चालू हो जाएंगे, तो आप सभी जुड़े रहिए। अगर आप जुड़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, जल्दी ही पोस्ट आने वाली है, आप बिल्कुल रेडी रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।